नासिम गुलशन हदीद में सियासी समाजी धुरन पारा किताबी मेलो लगाए पो तफसील बुधाई रो है सामी मेमर साल 2022 जा पछाड़ का डी है सिज पैंजे मंजिल तरफ तेजी से वधी रो है उन वक्त गुलशन हदीद ए मली के मुख्तलिफ इलाक में उनके सिज का मोकलायण साल का मोकलायण ला इल्मी अदबी सरगर्मी जरिए सिज का मोकलाया पो वे इन सिलसिले में गुलशन हदीद में मुख्तलिफ सियासी समाज तरफा ही किताबी मेलो लगाया वो है जैमें सिंधी अदब का वी मजहब ए फलासाफी ताई किताब मौजूद हैं मू इत वे पैमाने अचन पाया किताब खरीद कन पाया अचो तो उनसा गाल बोल करूँ तो सरगर्मी मुतलिक चवन। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। जब इंसान किताबों से दूर होता है नौजवान तबका तो वो मंशियात के करीब होता है, जब किताबों से दूर होते हैं तो वो फजूलियात के करीब होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आप सबके साथ मिलकर अपने नौजवानों को, हर मकतब फिक्र के लोगों को, हर जबान के लोगों को, हर तबके के लोगों को किताबों से करीब लाएं। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, मगर किताबों की मोहब्बत बढ़नी चाहिए और इसके लिए हर सतह पे काम होना चाहिए। किताब घर किताबन जा जेके मेला लगन था यो सिंध जिला एकड़ो पॉजिटिव साइन है। आई गुजरल साल के हवाले से भी दिसंदासी जो हाँ गुजरल गुजरी वो तो उन दौरान भी असाजे दोस्तन जेकी एक्टिविटी कई है इल्म अदब आई फहम के इदराक के फैलाने दी सिंध के अंदर वह ढी शानदार रही है। सिंध के अंदर इल्म जो जो फैलाव थे पो वो मुख्य ढो पॉजिटिव साइन नजर अचे पो। हालांकि सिंध बोर्ड में गुजरी तकलीफुन में गुजरी बुहरानन में गुजरी मुआशी बुहरान हो सिंध तमाम दुखिन हालतन में उन बावजूद भी दोस्तन इतने बोर्ड मुतासरीन के नाले से किताबन जहाँ सो मेला लगाया जैमें मानून काफ़ी जो है सो इतना के गुलशन हदीद वासन या मलीर वासन काफ़ी पार्टिसिपेट इतने भी किया। एक इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों की तरफ से और मैंने यहाँ विजिट किया है, यहाँ मजहब पे लिटरेचर पे और जो तारीख है उस पर सारी चीज़ें सारी तरह की कुतुब मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ऐसा निकदाम है, इस तरह के जो बुक फेयर हैं वो लाजमी होने चाहिए क्योंकि जो हमारा मुआशरा है हमारे तालिबे इल्म हैं वो पढ़ाई से वो किताब से दूर होते चले गए। जिस तरह से ग्लोबल विलेज बनता गया और नेट की दुनिया सामने आती गई तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर गेम्स में और ज़्यादातर इस तरह के मीडिया पर एंगेज होते गए, अपनी तारीख से अपने मजहब से फिका से इन सारी चीज़ों की नॉलेज से दूर होते गए। तो ये बहुत ऐसा कदम है मेरे हिसाब से, किताबों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जितने लोग बुक्स लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी एक्टिविटी है कि वो मोबाइल से और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके बुक्स की तरफ आएं। ये असा जो टियों किताबी मेलो आ गुलशन हदीद में जैमें असा सा सुठो कोऑपरेट हमेशा कंदा आइन फरीद पब्लिशर सिंधी का पब्लिशर इन के अलावा असा रोशनी पब्लिशर भी आए असा सा तमाम सुठो तावन कंदा आइन असा चाहूं था गुलशन हदीद में साल में घट ब या टे किताबी मेला थन्दा रहन जैमें असाजी जी नौजवान नस्ल आ वह इन मल पैसे के करीब तमाम घणो वे थी सोशल मीडिया घणो थी इस्तेमाल करें पर किताब पढ़ने से चाहे जो असो जहन ताज़ो थन्द असाजे इल्म में भी तमाम घनी मतलब के इजाफो भी थन्द किताब पढ़ने वो इंसान हमेशा सोचि बेन के भलाई के लिए अस चाहूँ था गुलशन हदीद में किताबी मेला थन्दा रहन। जैसे भी किताबी मेलो लगन है ना मुख्य ढी खुशी थन्दी है किताब पढ़ने शौकीन हर महीने चार पंज किताब वो आया तमाम बेहतरीन गाल दोस्तन के अपील आ तो वे भी अचन किताब खरीद कन पढ़न सिंधी बोली के लिए खिदमत कन। इलम से इसका तो बल्कि रिवाज कम हो रहा है, ये तो जो एफर्ट कर रहे हैं इसके तो बहुत हमारी नई नस्ल पे दूरस्थ असरात होंगे। किताब दोस्ती तो बहुत अच्छा वो है, इससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है कि बच्चों को कोई और एक्टिविटीज़ की बजाय इससे पॉजिटिव कोई एक्टिविटी नहीं है। और इल्म हमारे दीन में हमारे नबी ने इसकी बहुत अहमियत को उजागर किया है। साल गुजरी रो इन्हें सो पाँजे सो मुआशी हालतू मुल्क सो तमाम सो बेकार रही उन हिसाब से पर इन्हें घुटन वाले माहौल में ही जो किताबी मेलो आो तमाम सो उत्साहींदड़ में यो थे असो नओ नसुल आको सोशल मीडिया ए जो मोबाइल की तरफ वो ए किताब उन्हें पढ़ने छे दिन उन हिसाब से जैसे इतने इंदो किताब पढ़ा तो उनके सो पुरानी जान या तारीखी जान उनसा मिलंदी उनसा उन सो शौरी सतह में भी इजाफो उन इल्म में भी इजाफो छो तो सोशल मीडिया की जो नॉलेज आ अणपु
पूरी अधूरी उन्हें करे ही जो तमाम अड़े घुटन वाले माहौल में अड़ा जो सो स्टॉल लगन था या किताबी मेला लगन था यह तमाम बेहतरीन है जो सो तारीफ लायक गाल गुजरदड़ साल के दुख डंभन का मानन में जिंदगी जो नओ उत्साह पैदा थियणो फितरी अमल है। इन सिलसिले में ही जो बुक स्टॉल लगाया वो है या किताबी मेलो लगाया वो है, इनमें जिन भी नौजवान किताब खरीद कया उन्होंने चवण यह है तो किताब इंसान में इल्म अदब सानहा पैदा कन था, इनमें चढ़ी हिस्सों वठजे अड़ा मौका फराहम कया वन सामी मेमन केटी न्यूज़ मिली।